जय जवान जय किसान। मेरे प्यारे किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। फिर से एक जरूरी वीडियो लेकर आया हूँ ई श्रम कार्ड के ऊपर पूरी जानकारी के साथ। कुछ भी गलती हो तो मुझे माफ़ करें, वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें और आपके प्यारे भाई को जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें। हमारे चैनल पर आपको किसान संबंधित सभी जानकारियाँ मिलती रहेगी। ई श्रम कार्ड सबसे अलग है, इसको किसी भी कार्ड से ना जोड़े, यह कार्ड पूरे देश में मान्य होता है, ऐसा आप सभी को पता होगा और बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा। वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही जानकारी वाला वीडियो है। इसे नेशनल कार्ड भी कहा जाता है, यह पूरे देश में लागू है, पूरे भारत में। भारत में कुल 38 करोड़ असंगठित मजदूर है, जो ना किसी संस्था या कंपनी में रजिस्टर्ड है, ना कोई संगठन है इनका, ये बिना संगठन के काम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ई श्रम कार्ड बनवाए जाते हैं। इसका फायदा यह कि आप देश में कहीं भी काम कर सकते हैं। इस कार्ड में आपकी बहुत सी जानकारियाँ डाली जाती है, आपकी उम्र, आपकी योग्यता, आपका मोबाइल नंबर। जब आप बाहर काम करने जाते हैं, जैसे किसी फैक्ट्री में या किसी बड़े घरों में या किसी संस्था या जो भी बड़ा छोटा प्रोजेक्ट होता है सरकार का या फिर प्राइवेट होता है, इस कार्ड में आपका पूरा डाटा तैयार किया जाता है। जिस तरह आपके आधार कार्ड में आपकी पहचान रहती है, उसी तरह इस कार्ड में आपकी काम से संबंधित जो भी सभी जानकारी रहेगी। इस कार्ड की एक और ख़ास जानकारी यहाँ भी है कि इसमें 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस रहेगी। मृत्यु पर आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे या विकलांगता पर 1 लाख रुपए आपको मिलेगा, ये इंश्योरेंस वाली सुविधा इसमें है। अभी तक 38 करोड़ असंगठित मजदूरों में से सिर्फ 4 करोड़ लोगों का ई श्रम कार्ड बना हुआ है और सरकार ने इस कार्ड के लिए 404 करोड़ रुपए का बजट रखा है। यह कार्ड उन्हीं लोगों का बनेगा जैसे छोटे किसान हो गए या जिनके पास ज़मीन कम है या जो भी कुछ मजदूरी काम करते हैं। आपके पास इस कार्ड को बनवाने के लिए 3 जरूरी दस्तावेज होने चाहिए, एक आधार कार्ड, दूसरा बैंक खाता और तीसरा मोबाइल नंबर। जो जो लोगों के पास ये चीज़ें हैं उनका ये कार्ड आसानी से बनेगा। और कार्ड उन लोगों का नहीं बनेगा जो बड़े बिजनेसमैन है, व्यापार करते हैं, ज़मीन ज़्यादा है या फिर जिनके घर में कोई सरकारी नौकरी करने वाला हो, ऐसे लोगों का यह कार्ड बिल्कुल नहीं बनेगा। तो वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो में जो भी जानकारी आपको समझ में आएगी कमेंट करके बताएं आपके हिसाब से इस कार्ड में क्या खासियत है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, और आपके हिसाब से जो भी आपका अनुभव हो आप शेयर करें, कमेंट करें इस वीडियो में। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।